आपके बीच में राजस्थान के गौरव ओम जी बिरला आपके समाज को संबोधित करने के लिए कुछ क्षणों में आपके बीच आए। समाज से निवेदन करता हूँ, फिर तालू की गड़गड़ाहट के साथ माननीय बिरला जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें पूरे समाज को। हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि बोलते ओम जी बिरला का स्वागत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब ओम बिरला जी से मैं निवेदन करता हूँ कि ये समाज आपका ऋणी रहेगा। इस पूरे समाज को आप गार्जियन के रूप में आज सहयोग करें और मैं पूरे मंच से घोषणा करता हूँ कि ये पूरा समाज आपके लिए ऋणी रहेगा और इस समाज के आप गार्जियन के रूप में इसको आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद जय भारत। प्रथम विश्व युद्ध में आईफा की लड़ाई के नायक राजस्थान की रणभूमि के वे योद्धा जिन्होंने दुनिया के अंदर राजस्थान की धरती का, राजस्थान की माटी का नाम पूरे विश्व में किया, आज हम सब रावणा समाज के लोग मेजर दलपत सिंह जी शहीद दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। आज मैं मेजर दलपत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूं कि उन्होंने भारत का नाम, इस देश का नाम उस समय जब शस्त्र नहीं हुआ करते थे, आधुनिक हथियार निवा करते थे, लेकिन राजस्थान की घुड़सवारी के अंदर जिस तरीके की योद्धा के रूप में उन्होंने लड़ाई लड़ी और राजस्थान और भारत का नाम किया, आज भी हम सब गौरवान्वित होते हैं। आज हम सब जानते हैं कि किस तरीके से इजराइल के इतिहास में आज भी मेजर दलपत सिंह जी का नाम हीरो ऑफ आयका के नाम से दर्ज है। मैं जब इजराइल गया तो मैंने देखा किस तरीके से हमारे योद्धा, जिसमें मेरा भी गर्व हुआ, जिन्होंने भारत का नाम, राजस्थान का नाम उस विश्व के अंदर, उस युद्ध के अंदर किस तरीके से लड़ाई लड़ी। और इसीलिए इजराइल की आज भी वहाँ के पाठ्यक्रम में मेजर दलपत सिंह जी का नाम वहाँ के पुस्तकों में पढ़ा जा सकता है। भारतीय सेना की शहादत को याद करते हुए हर वर्ष आईफा हीरो दिवस मनाती है। दिल्ली के जब तीरमूर्ति भवन में आप जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि तीन घुड़सवार सैनिकों में एक मूर्ति मेजर दलपत सिंह जी की भी है। हमारा सबका सीना गर्व से उठता है जब रावणा राज समाज के उस योद्धा ने, राजस्थान के उस योद्धा ने, भारत के उस योद्धा ने किस तरीके से उस लड़ाई को लड़ा गया। और इसीलिए आज उनके शहीद दिवस पर जब उनको हम याद करते हैं तो इस समाज को नहीं, पूरे देश के, राजस्थान के युवाओं को प्रेरणा मिलती है। और आज भी हम गर्व से कह सकते हैं कि राजस्थान का नौजवान सीमा पर हो, जवान के रूप में, देश की सेना के रूप में, अर्धसैनिक बल के रूप में जिस तरीके से देश की रक्षा करने का दायित्व निभाता है, राजस्थान का सर ऊंचा उठ जाता है। राजस्थान इसीलिए योद्धाओं की धरती जानी मानी जाती है, राजस्थान वीरता की धरती मानी जाती है, राजस्थान आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, समर्पण की धरती मानी जाती है। और रावणा राजपूत समाज के लोग कितने योद्धा हैं जिन्होंने राजाओं के नेतृत्व में युद्ध किया, जिन्होंने भारतीय सेनाओं के रूप में युद्ध किया। और आज भी हमारे जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, हमारी विरासत को देखते हैं, तो विरासत इतिहास के बाद आज वर्तमान आधुनिक समय के अंदर भी इस समाज का नौजवान देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की सीमाओं पर रक्षक के रूप में काम करता है, अर्धसैनिक बल के रूप में काम करता है,
अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भारत राजस्थान का नेतृत्व करता है। और इसीलिए जब हम मेजर दलपत सिंह जी के जीवन को पढ़ते हैं, उनके जीवन के इतिहास को पढ़ते हैं, उनकी उस समय आप कल्पना करो कि उस समय कैसे युद्ध हुआ होगा, कैसे भारत का व्यक्ति, राजस्थान का व्यक्ति वहां उस युद्ध की लड़ाई लड़ रहा होगा। लेकिन उनकी विरासत और इतिहास को पढ़ने के बाद हमें नई प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, नया आत्मविश्वास होता है कि आज तो दुनिया के अंदर भारत की स्थिति चेंज हो गई है। आज संसाधन बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन उस समय न तो कोई टेक्नोलॉजी थी, न सूचना का आदान प्रदान था, लेकिन फिर भी घर वालों को भी, परिवार वालों को भी ये गर्व था कि हमारा बेटा देश के लिए लड़ने गया है। और किसी भी स्थिति के अंदर देश का सर नहीं झुकने देगा, चाहे अपनी गर्दन कटा लेगा। ये राजस्थान की रणभूमि की योद्धाओं का इतिहास दुनिया के अंदर हर जगह दर्ज है। और इसीलिए आज हम सब लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके जीवन के अंदर, उनके इतिहास, उनकी विरासत, संस्कृति से प्रेरणा लेते हैं। मैं आज रावणा राजपूत समाज के उन सभी लोगों को, क्योंकि मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के अध्यक्ष रंजीत सिंह जी सोडारा मुझे मिलते रहते हैं, और उन्होंने घूम घूम के राजस्थान के अंदर इस संगठन को खड़ा किया। विक्रम सिंह जी भाटी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने संघर्ष खड़ा किया। रंजीत सिंह जी पवार ने खड़ा किया, महिलाओं में श्री ममता कंवर राठौड़ ने खड़ा किया, और राजस्थान विधानसभा के अंदर जो हमारा एक जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में नेतृत्व कर रहे हैं जवर सिंह जी सांखला, ऐसे कई लोग आज भी, हजारों लोग, लाखों लोग इस समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, सामाजिक जीवनों, राजनीतिक जीवनों, आध्यात्मिक जीवनों, हर कर्म क्षेत्र के अंदर देश प्रदेश की सेवा का, समर्पण का काम कर रहे हैं। और मेजर दलपत सिंह जी के जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं, और इसीलिए ये समाज समर्पण, सेवा, त्याग का समाज है। जो कर्म भूमि के अंदर जब भी जाता है, कड़ी मेहनत से काम करता है। मैं समाज के सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आपके समाज जीवन के अंदर आपके त्याग, समर्पण, सेवा के लिए, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप दलपत सिंह जी के जीवन से प्रेरणा लेते रहें और समाज के अंदर हर क्षेत्र में नेतृत्व करें, आगे समाज बढ़े, यहाँ के युवक युवतियाँ देश प्रदेश का नेतृत्व करें, दुनिया में भारत का नाम करें। आप सभी आयोजकों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आना चाह रहा था, लेकिन संसद के कामकाज के कारण व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाया, लेकिन मैं आज वर्चुअल आपसे जुड़ा हूँ। लेकिन आपका मेरा संबंध परिवार का संबंध है, एक परिवार के संबंध के नाते मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे हमारे लोकसभा के माननीय बिल्ला साहब। आपने इस समाज के लिए जो समय दिया, सभी समाज बंधुत्व की तरफ से तहे दिल से रावणा राजपूत समाज पूरे भारतवर्ष से आए हुए प्रवासी बंधु आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओम जी बिड़ला साहब। भिक्षा भाटी, भिक्षा राम सर बोलिए सर। लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ओम जी बिड़ला हमारे बीच में समाज को संबोधित कर रहे थे, और अगले वक्ता के रूप में जिनका आप सभी को इंतजार था, चलना तो चलना। अगले वक्ता के तौर पर मैं इस मंच के माध्यम से
हमारी अपनी रावणा राजपूत समाज की इस पूरी मातृशक्ति का पूरे भारत भर में नेतृत्व कर रही है और अपनी युवा आवाज के दम पर और युवा नेतृत्व के दम पर डाबड़ा गांव की सरपंचाई आपने हासिल की है और डाबड़ा जिला सरपंच संघ की उपाध्यक्षा भी आप बनी है और युवाओं के लिए एक प्रेरक रूप में और नई आवाज और राजनीति का उभरता हुआ चेहरा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार जोरदार ताले के साथ स्वागत कीजिएगा प्रदेश की महिला अध्यक्षा ममता कौर जी डाबड़ा गांव। चलिए